नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोशन है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वॉकर का यूज़ कैसे करते हैं नी रिप्लेसमेंट या फिर नी सर्जरी के पेशेंट के केसेस में, क्योंकि वॉकर इसलिए भी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी से जल्दी आफ्टर नी सर्जरी हम अपने नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न पर आ सके, इसलिए हमें वॉकर का यूज़ अच्छे से करने आना चाहिए। तो वॉकर यूज़ करने से पहले सबसे पहले जान लीजिए आप वॉकर की हाइट। वॉकर की हाइट हमेशा आपके रिस्ट, जहाँ तक रिस्ट आए आपका, उतना ही होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वॉकर का ये हैंड वाला पोर्शन है, और मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ तो मेरा रिस्ट और वॉकर का हैंड वाला पोजीशन सेम लेवल पे आना चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपको, वॉकर पे इस टाइप से होल्ड करना है और आगे की तरफ लोग फॉरवर्ड हो जाते हैं, ऐसे ना करके बिल्कुल स्ट्रेट रहिए क्योंकि आपका दोनों हाथ सपोर्ट कर रखा है वॉकर को। उसके बाद वॉकर पहले आगे जाएगा, फिर उसके बाद आपका जिस भी पैर में सर्जरी हुई है वो पैर आगे ले जाएंगे, और वेट हम इतना डालेंगे उस पैर पे जितना आप सहन कर सके, जितना पेन सहन कर पाए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश होती है कि अपनी नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न तो आ ही जाए जिससे आप जल्दी रिकवर कर सके। तो वेट शिफ्ट करने के बाद जितना आप टॉलरेट कर सके, उसके बाद दूसरा पैर जो अनअफेक्टेड पैर है फिर उसको उसके साथ मिलाना है। ये फर्स्ट डे की पोजिशन है, आगे रखना है, अफेक्टेड पैर आगे रख आना है, उस पर वेट शिफ्ट करना है जितना आप टॉलरेट कर सके, फिर अनअफेक्टेड पैर साथ में आएगा। इसके बाद अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करने के लिए इस वाले पैटर्न में पहले आपको अफेक्टेड पैर आगे रखना है, वॉकर और पैर पे शिफ्ट करना है वेट जितना आप टॉलरेट कर सके कर सके। उसके बाद अनअफेक्टेड पैर थोड़ा सा आगे रखेंगे आप, जिस पैर में अफेक्टेड हो रखा है उससे थोड़ा आगे, फिर सेम इसी टाइप से चलेंगे, एंड देन धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल पैटर्न पे आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।